Thank you.
Peace.
Oh,
Thank you.
Amen.
Vyandhasya Jnanjana Salataya Chakshurman Viritam Jena Tasmai Sivurave Vancha Kalpatarukrasya Kripa Sindhu Bhai Devacha Patitanam Pavanetyo Vaishnavetyo Namo Namo Mahabhadandaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namde Gauratrijena Gurave Gaurachandraya Rastaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Sadhu Bhaktaya Namo Angra Shamane Shatahiravito Mandirutenivaram Jatanga Mudarot Samvitana Samvattam Parasya Sriya Vrindaranda Nivasinam Vrindila Sattamara द्वितीय ज्ञान में अनर्थ निवृत्ति की बात करी है। जो लोग हरिनाम करते हैं किंतु अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा नहीं करते और श्रद्धापूर्वक नहीं करते, वैष्णव का अनुगत भी नहीं करते, तो उनका नाम शुद्ध नहीं होगा। नमाभास होगा कि नहीं, ये भी ठीक है। कभु नमाभा सदाई नमाप्रा ये सब ज्ञान में भाई की शुद्ध नाम लेने की चेष्टा करो, अंततः तो नमाभास तो होना ही चाहिए। इस प्रकार से बदलाव करके अब तृतीय ज्ञान का भजन अर्थात तो निष्ठा, अनर्थ दूर होने पर निष्ठा। निष्ठा मैंने बुद्धि काय की हो जाना। कृष्ण हमारे परमारंभ है, उनका भजन ही हमारा काम है, वही हमारा साधन है। इतर से बुद्धि निष्ठ हो जाए किंतु बुद्धि पूर्वक स्वाभाविक पूर्वक नहीं, जैसे रुचि आसक्ति में होता है, बुद्धि पूर्वक मन को स्थिर किया जाता है। जो लोग मन के और बुद्धि को लगाम को छोड़ देते हैं, मन को स्वतंत्र रखते हैं, उनकी बुद्धि चंचल हो जाती है, विषयों में
आसक्त होकर के भजन से दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग भजन करने के लिए आए, घर बार छोड़ करके अच्छे घर के ब्रह्मचारी लोग और शुद्ध रूप में अनर्थ दूर करने की चेष्टा नहीं की और अच्छी तरह से श्रवण नहीं किया, फल यह हुआ कि उसके अंधकार नहीं चले बल्कि और कुछ वैष्णव अपराध कर गए। इसलिए सावधान होना चाहिए। इसके लिए कहते हैं निष्ठा भजन में एक बात करनी होगी, भजन छिड़ो बड़ो सा अपनी नाम का श्लोक लगे करो बात। भजन करने की तो बहुत इच्छा थी, भजन करेंगे किंतु भजन करने आकर के जिसको चार गुणों की जरूरत है वो गुण नहीं। बिना कभी सुनी चेन और सर्व की सही सुनना हमारी ना मान के नृत्य शिक्षास्त्र के श्लोक स्तर बाय स्तर कहे गए। पहले नाम नाम कारी कहा किस प्रकार से तीन ही होकर के नाम अर्थ करना चाहिए। अब इसमें बदला निष्ठा कैसे आएगी, क्रीड़ा कभी सुनी तीन के ऊपर में पैर रखने से वो नीचे चला जाता है किंतु तीन ऊपर उठ जाता है। वैष्णव लोग इससे भी अभी सुनी होंगे तरुणों की सहिष्णुता वृक्ष की अपेक्षा भी सहिष्णु हो। वृक्ष को गाली दो तो वो क्या करेगा, मारेगा नहीं मारेगा। तो हमको गाली देने से हम तो मारने बैठते हैं तो सहिष्णुता क्या उस तरुण रोग वृक्ष छा वृक्ष की जड़ वृक्ष की डाल वृक्ष की छाया वृक्ष का फल सब कुछ परोपकार के लिए होता है। अपने लिए सूखने पर भी पानी नहीं मांगता, मरने पर भी फल देता है। इस प्रकार का सहिष्णु होना चाहिए। हमारी ना अपने लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं चाहो और दूसरों को व्यथायुक्त उसमें कृष्ण है इसलिए वो जीवित है इसलिए उसको मान दो व्यथायुक्त जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में मानने दो। ये करने से नाम संकीर्तन तुम्हारा क्रमशः नवाभास और उससे भी शुद्ध होकर के शुद्ध नाम हो। जेरुत वैले नाम प्रेम उपजौर महाप्रभु जी का रहे हैं रामानंद से और स्वरूप नाम जितका से नाम लेने से प्रेम उदय होता है उसका उपाय सुनिए, उसका लक्षण सुनो। उत्तम भैया अपना के माने उत्तम होकर के भी सब गुण में गुण होकर के भी अपने को हीन सुनी मानता है। दो प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष जरूर काटी नहीं कुछ ना बोला है सुखा या मैले कारण पानी ना मांगे यही के मांगे तार दे अपन का वृक्ष काटने पर भी पानी नहीं वो कुछ
कुछ नहीं करता, प्रतिकार नहीं करता और सूख जाने पर भी किसी से पानी भी नहीं मांगता और जो उसका फल चाहता है यदि मारे पत्थर तो उसे फल देता है। और धर्म विष की सहे करे आने अपने तो सूर्य के तेज को और वृष्टि को सहता है, दूसरों को छाया से रक्षा करता है। यदि वैष्णव होने की साध हो तो ऐसे बनने की चेष्टा करो, ऐसा होने से कोई अनर्थ तुम्हारे अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। उत्तम भैया वैष्णव हो गए निराभिमान जीवे सम्मान जीवे ज्ञानी कृष्ण, प्रत्येक जीवों में कृष्ण है इसलिए प्रत्येक जीव को यथा उचित जैसा वो गुरुत्व में हो ऐसे यथा उचित सम्मान है। नव योग we are continuing the morning classes of Sri Bhajan and Hastar of Sri Thakur Bhaktivinoda. Then we are discussing the second yam, or the second portion of Bhajan, named Anasanavriti, or the cessation of unwanted desires. Therefore, those who are chanting Harinam but are not endeavoring properly for Anasanavriti, or to become free from unwanted obstacles, neither are they chanting Harinam with the proper degree of faith, and neither they are under the guidance of Guru and Vaishnavas, then for such a person, Kokon Namabas and Namaparad. Sometimes they chant Namabas, but mostly it's Namaparad, chanting the holy name with offenses. Therefore, one should make appropriate endeavors to become free from anattas, and one should endeavor for Suvinam, or the chanting of the pure name. If as one becomes free from unwanted desires, one reaches the stage of Nishta, or fixed intelligence. At the stage of Nishta, then one's endeavors are called Buddhipurva. One is endeavoring by strengthening one's intelligence. Then at the stage of Nishta, one's intelligence is fixed. One can understand then that Krishna is my Aradhya, my worshipful deity. He is my goal, he is my Siddhartha, he is everything. But at the stage of Nishta, this is coming from the intelligence.